अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों कुछ दिनों से बॉलीवुड इंडियन एक्टर परेश रावल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मुसलमानों की तारीफ़ करते हैं और जब एक हिंदू उनसे पूछता है कि आप हिंदू हैं तो वो क्या जवाब देते हैं, वो वीडियो क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा और कैसे वो मुसलमानों की तारीफ़ करते हैं आप भी देखेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी से आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आप ये वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। तो आप हिंदू आदमी हैं क्या? बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इंसानियत में मानता हूँ। तो आप हिंदू आदमी हैं क्या? बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इंसानियत में मानता हूँ। हमारे भाई है, भाई के बारे में भाई है बार बार नहीं कहते, लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े 1857 का जो था जो रिवोल्ट हुआ तो भी हमने साथ में मिलके किया जी। इतनी बड़ी तादाद में, और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, इनको साथ में लेने के बजाय कांग्रेस ने ये किया है, डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो, क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए कांग्रेस के बाहर कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम, ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी। लेकिन उनको ऐसे, क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत है जी, मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है, तो सब साथ में कंधे से। अच्छा, जब अंग्रेजों के सामने लड़े तब भी मुसलमानों की तादाद कम थी जी, फिर रिवोल्ट हुआ था तब भी मुसलमानों की तादाद कम है, आज भी मुसलमानों की तादाद कम है, तो माइनॉरिटी कहां से आ गए? ये मोदी जी कहते सब एक है तो सबका विकास साथ में होता है ना। इनका काम क्या है कांग्रेस वालों का कि अलग अलग करके रखो यार, अपना काम चल जाता है यार। अच्छा, अगर कांग्रेस के दिल में इतना ही भला है मुसलमानों के लिए तो 65 साल के अंदर उन्होंने क्या किया? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन कांग्रेस नहीं, ये गलत, ये तो वही तो बोलता हूँ, कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है कि ये प्रॉब्लम जिंदा रखो, इसको कहीं भी ठंडा नहीं पड़ने दो, ये प्रॉब्लम को जिंदा रखो आप। और जिस दिन एक हो गए तो वाकई कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मैं कह